बेसिकली यह जो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट है, जिसमें अगर हम बात करें कोण की और उसके मापन की, यह अगर देखा जाए तो इट्स पार्ट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम लोग अपने इस पाठ्यक्रम की बात करें तो इट्स पार्ट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं, हम यहां पर बात दोनों लैंग्वेजेस में करने की कोशिश करेंगे। अगर कभी हम केवल अंग्रेजी लिखेंगे तो उसकी हिंदी भी बताने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर देखा जाए तो यह मैक्सिमम टू मैक्सिमम बायलैंग्वेल कोर्स है, मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों का मीडियम हम लोग यहाँ पर उपयोग में लाने की कोशिश करेंगे जहां पर। लेकिन आप जानते हैं कि यह एक टेक्निकल सब्जेक्ट है मैथ, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि केवल इंग्लिश में ही अवेलेबल होते हैं, तो वहां पर उस इंग्लिश का ही उपयोग आपको करते रहना है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी हम लोग को बैलेंस करके चलनी होगी। जैसा मैंने बताया कि यह जो पार्ट है वो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट और पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति जिसको हम ग्रीक वर्ड दो टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक ट्राइगन एंड मिट्रियान। मतलब ट्राइगन मींस ट्रायंगल, आप बेसिकली किसको कहते हैं, ट्रायंगल को, ट्रायंगल के मेजरमेंट्स की बात की जाती है, ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट्स किया जाता है, या एक ऐसे ट्रायंगल की बात की जाती है जिसमें एंगल के रिलेशंस को डिस्कस किया जाए, तो वह त्रिकोणमिति का पार्ट है और ट्रायंगल का पार्ट है। तो बेसिकली अगर ट्रायंगल या ट्रिग्नोमेट्री को हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसके पूरे फंक्शंस को हमें एक्सप्लेन करना है, उसकी पूरी प्रक्रिया को पढ़ने के लिए हमें शुरुआत एंगल एंड इट्स मेजरमेंट से ही स्टार्ट करनी है। बेसिकली आप जानते हैं कि अगर हम तीन लाइन सेगमेंट का उपयोग करें तो एक ट्रायंगल फ्रेम होता है। अब कोई भी अगर फिगर बनता है तो फिगर में दो तीन चीजें रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहली चीज उस फिगर को बनाने के लिए, अगर पहली चीज इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह जो फिगर हम डिस्कस करने जा रहे हैं या त्रिकोणमिति हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स बेस्ड ऑन 2D ज्योमेट्री। आप इसको टू डायमेंशनल ज्योमेट्री कह सकते हैं, इट्स पार्ट ऑफ अ 2D ज्योमेट्री, क्योंकि हम इसका फॉर्मेशन, इसको हम प्लॉट किसी टू डायमेंशनल सरफेस पे ही करते हैं। तो इसको हम त्रिकोणमिति को भी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट ही मान सकते हैं। आपने किसी एक सरफेस जो कि प्लेन है उस पर एक फिगर जनरेट किया, उस फिगर को बनाने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता हुई, रिक्वायरमेंट्स हुई, तीन तो बिंदुएं, मतलब थ्री पॉइंट्स या वर्टेक्स आप कह सकते हैं। टू मीटिंग द पॉइंट्स, अगर हम बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें लाइंस की रिक्वायरमेंट्स हुई, और इन लाइंस के इंक्लाइंड वे में कुछ एंगल्स बने, कोण बने, और हमें आज के इस टॉपिक में केवल कोण के ही मेजरमेंट को डिस्कस करना है। तो ये कोण अगर एक आपका 90 डिग्री हो जाए तो इस ट्रायंगल को आप राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और यही राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल के रिलेशनशिप को ही हम ट्रायंगल का या ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कहते हैं। तो मेन चीज हम इस त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए हमें एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स को पढ़ना बड़ा ही रिक्वायर्ड होता है, बड़ा ही आवश्यक होता है। तो बात हम यहीं से करते हैं कि एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंगल्स, कि एंगल होता क्या है, कोण क्या होता है। तो आप ध्यान से समझिएगा कोण क्या होता है और उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए एक वर्ड हम लोग यहां पर अपनी कॉपी में मेंशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंगल। एंगल बेसिकली, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी चीज का मेजरमेंट, हमें लेंथ का मेजरमेंट करना होता है तो हमें कुछ अलग अलग यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमें किसी एक डिस्टेंस को फाइनली मीजर करने के लिए लेंथ मेजरमेंट्स का पार्ट्स कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु को उठा करके उसका वेट मीजर करते हैं तो भी एक मेजरमेंट का ही प्रोसेस होता है। टाइम मीजर किया जाता है। इस तरह से हमारी लाइफ में हर एक एक्टिविटी लगभग लगभग मीजर की जाती है, उसी प्रकार से एंगल का भी मेजरमेंट किया जाता है। लेकिन एंगल है क्या? एंगल इज द इंक्लिनेशन बिटवीन द टू लाइंस, मतलब दो रेखाओं के बीच के झुकाव को आप यहां पर झुकाव कह सकते हैं। झुकाव किसकी? दो रेखाओं की, दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को हम लोग एक तरह से कोण कहते हैं। आप कह सकते हैं इट्स एन इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन, बिटवीन टू लाइंस। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन हमने लिया। अब अगर एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम लोग इनिशियल लाइन कह रहे हैं, बेसिकली हम इसको इनिशियल लाइन कह रहे हैं, इनिशियल और फाइनल आप जानते हैं टर्मिनल क्या होता है। इसी लाइन सेगमेंट पर उसी वर्टेक्स से एक बिंदु और एक पॉइंट अगर सपोज करिए इंक्लाइंड किया जाए, उनके बीच का जो झुकाव होगा, जो उनके बीच का इंक्लिनेशन होगा, वही आपका एंगल होगा। अब देखिए, हमने कहा कि एंगल पहली चीज मेजर करने से भी पहले डिनोट किया जाता है। जैसे लेंथ को मेजर भी करने से पहले डिनोट किया जाता है कि यहां से यहां तक का है, इस फ्लो में है, इस डायरेक्शन में है। तो डिनोट करने के लिए हमारे पास बहुत तरह के सिंबल होते हैं। थीटा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, अल्फा होता है, नीटा होता है, सीटा होता है, बहुत तरह के अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग कोणों को डिनोट करते हैं। मतलब टू डिनोट बी यू द डिफरेंट डिफरेंट ऑफ द सिंबल्स, दे मे बी अल्फा, बीटा, नीटा, अल्फा, गामा, अलग अलग तरह के आप वर्टिकल नेम से या किसी भी अल्फाबेटिकल नेम से उनको हम डिनोट कर सकते हैं, जो एंगल को डिनोट करने का प्रोसेस होता है। अब बात हम लोग करते हैं इनके मेजरमेंट्स की, इनका मापन।
ध्यान से देखते जाइएगा, सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इनका जो मेजरमेंट है वो किस पर बेस्ड होता है, इनका जो मापन होगा वो किस पर बेस्ड होगा। जैसे आप लोग लेंथ को मेजर करते हैं तो हमें अलग अलग यूनिट्स मेजर करने के लिए मिलती है, हमें बड़ी यूनिट्स भी मिलती है, हमें छोटी यूनिट्स भी मिलती है, हमें मीटर भी मिलता है, सेंटीमीटर भी मिलता है, किलोमीटर भी मिलता है। उसी तरह से अगर हम वेट मेजर करते हैं तो ग्राम भी मिलता है, किलोग्राम भी मिलता है, मिलीग्राम भी मिलता है, मतलब छोटी और बड़ी यूनिट्स हमें मिला करती है, उनका कॉम्बिनेशन भी हम यूज करते हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी कोणों का भी मेजरमेंट किया जाता है, अलग अलग इसके लिए सिस्टम्स होते हैं जिनकी मदद से हम कोणों का मेजरमेंट डन करते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन कोण को एक्चुअल, जैसे आप जानते हैं कि लेंथ का जो मेजरमेंट, अब आपने सुना होगा एक होता है एमकेएस सिस्टम, मतलब एसआई सिस्टम, आप जानते होंगे। लेंथ को अगर हम मीटर में मेजर करें, उसी तरह से अगर भार को हम किलोग्राम में मेजर करें, टाइम को अगर हम सेकंड में मेजर करें, इसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं मेजरमेंट का। उसी प्रकार से कोण का भी इंटरनेशनल सिस्टम होता है, लेकिन इसके लिए दिमाग में एक चीज रखनी है कि जो कोण है वह एक इंक्लिनेशन अर्थात झुकाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक रोटेशन या रिवोल्यूशन को डिनोट कर रहा है, मतलब चीजें इंक्लाइंड होती चली जाती हैं, झुकती चली जाती हैं, झुकती चली जाती हैं, और एक रोटेशन को डिस्क्राइब करती हैं। और रोटेशन पर जो चीज फ्रेम होती है वह बेसिकली सर्कल जनरेट करती है। और सर्कल की बात, मतलब हम एक तरह से अगर ऐसे कहें तो कोण को सर्कल से ही ऑब्जर्व किया जाता है। आपके सामने घड़ी जब चल रही है तो आप देखिए उसमें निडल से मूव करते रहते हैं और धीरे धीरे एक सर्कुलर रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, इस प्रकार से रोटेट होते रहते हैं। तो देखा जाए तो कोण जो है बेसिकली सर्कल पर ही डिपेंडेंट होता है। अगर हम लोग किसी एक सर्कल की बात करें जो कि टू डायमेंशनल सरफेस पर प्लॉटेड है, उसका अपना एक सर्टेन सेंटर होगा, उसकी अपनी एक सर्टेन रेडियस होगी। अब हमको यहां पर अगर ये बताया गया कि सपोज करिए सर्कल बनाने के लिए हमको पता है कि अगर ये सेंटर है, उसकी एक लाइन और को भी हम ले जाकर के उसके सर्फेस पर मिलाएं, तो दोनों उसकी रेडियस है, आपको दिख रहा है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ को हम उस सर्कल की आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। मान लीजिए आर्क लेंथ एल है, तो इस एल और आर का जो रेशियो होता है, एल और आर का जो रेशियो होता है वही एंगल होता है। आप इसको अगर थीटा कहेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल बाई आर हो जाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि द एंगल इज द रेशियो बिटवीन द आर्क एंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर हम किसी सर्कल के आर्क मतलब उसके चाप और उसके दोनों के बीच के जो कोण है, मतलब जो इंक्लाइंड यहां पर पोजीशन बन रही है उसके बीच का जो रेडियस है, उनके बीच का जो रेशियो बनता है वही रेशियो कोण कहलाता है। बेसिकली इस एंगल को जो भी हमने मेजर किया इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, इसको हम रेडियन में करते हैं। बाद में मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कोण के मेजरमेंट का जो एसआई सिस्टम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है, वह आपका रेडियन ही होता है। ज्यादातर हम लोग हैबिचुअल की बात करें, हम ज्यादातर कोण को मेजर करने के लिए जो हैबिचुअल होते हैं वो डिग्री में होते हैं, हम लोग ज्यादातर डिग्री में मेजर करते हैं। लेकिन अगर सही बात किया जाए तो इसका जो एक्चुअल मेजरमेंट हम लोग कह दें कि एसआई सिस्टम के अंतर्गत जो मेजर किया जाता है कोणों को, वो रेडियन में किया जाता है। बेसिकली मैंने बताया कि कोण को मेजर करने के लिए, कोण को रीड करने के लिए हम लोग सर्कल सिस्टम या सर्कुलर प्रोसेस को ही ऑब्जर्व करते हैं। किसी एक सर्कल के अगर हम सेंटर से दो रेडियस को मिलाएं किसी सर्फेस पर ही जाकर के, तो एक आर्क जनरेट हुई, आर्क और रेडियस का जो रेशियो बना वही आपका कोण है। अब यह जो कोण है अगर देखा गया, सपोज करिए हमने जैसे अभी सर्कल यहां पर प्लॉट किया था, यहां पर इसका सेंटर था, ये मान लीजिए आपकी इसकी लेंथ थी जो रेडियस थी। अब अगर हमने कोई भी दो रेडियस को ले जाके यहां पर एक दूसरे के साथ सरफेस पर ही मिला दिया तो ये समय यहां पर इसका कोण बना, और यह लेंथ अगर एल थी तो एल अपान आर जो था आपका थीटा था। अब बेसिकली देखा गया तो थीटा क्या हो सकता है, थीटा अगर जैसे मान लीजिए हमने इसकी लेंथ को सपोज करिए हमने इसकी लेंथ को 4 मीटर कर दिया, सेंटीमीटर कर दिया, मान लीजिए रेडियस उस समय 8 मीटर थी, तो यहां पर जो थीटा बनेगा वो क्या हो जाएगा? 4/8 हो जाएगा, मतलब 1/2 होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं जो कोण होगा थीटा वो कोई भी रियल नंबर होगी, कोई भी रियल नंबर होगी, मतलब आपका यह वैल्यू जो होगी, जो कोण आएगा वह कोण आपका एक तरह से माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है। माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, मतलब कोण 1 डिग्री एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। उसके लिए मैं प्रोसेस बताता हूं। कोण को अभी जैसे हमने कहा कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, मतलब कोण आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, अर्थात कोण के रोटेशन के बिहाफ पर कोण का नेचर भी डिस्कस किया जाता है। हमने कहा कि कोण, देखिए अब मैं आपको समझाऊं, जो एंगल है उसको जब हमने फ्रेम किया तो उसके लिए हम क्वाड्रेंट का भी सहारा लेते हैं। क्यों क्वाड्रेंट का? क्योंकि रोटेशन परफॉर्म हो रहा है
और क्वाड्रेंट आप जानते हैं कि जैसे हमने कहा कि पहली चीज एक बात दिमाग में रख लीजिए, कोण को बनाने के लिए सबसे पहले एक इनिशियल लाइन और एक टर्मिनल लाइन, दोनों को हम एक ही पॉइंट से यहां पर हम लोग रोटेट करा रहे हैं। एक इनिशियल लाइन सपोज करिए ए है और एक टर्मिनल लाइन सपोज करिए यहां तक बी है। अब यह टर्मिनल लाइन इसी तरह से मूव करना शुरू हुई और इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव करी, मतलब क्वाड्रेंट सिस्टम को फॉलो की, मतलब इस तरह का जो मूवमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज आप कह सकते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, आप घड़ी का मूवमेंट समझिएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में अगर कोण चलेगा तो कोण हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब घड़ी के विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज में अगर मूवमेंट होगा तो उस कोण को हम लोग पॉजिटिव एंगल कहेंगे, जो जीरो से लेकर के कुछ भी हो सकता है, जीरो से लेकर के ऐसे मूव करता गया मूव करता गया मूव करता गया और फाइनली फिर वहीं आकर मिल गया, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया, फिर घूमा इसी तरह से बहुत सारे रोटेशन कंप्लीट कर सकता है, मतलब पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसी तरह से कभी मान लीजिए अगर हमने टर्मिनल लाइन या इनिशियल लाइन इसको लिया, टर्मिनल लाइन हमारी इस तरह से मूव करना शुरू की, मतलब क्लॉकवाइज मूव करना शुरू की, जब आप क्लॉकवाइज कोण का मेजरमेंट करेंगे, कोण को नोटेट करेंगे या रीड करेंगे, तो उस समय का कोण का जो मेजरमेंट होगा या वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, मतलब उसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक कोण मेजर किया जाएगा। तो कोण आपका वैल्यू में, वैल्यू मतलब उसका जो न्यूमेरिकल मान होता है, वह न्यूमेरिकल मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट तक की कोई भी वैल्यू यहां पर कोण के न्यूमेरिकल अमाउंट के रूप में जानी जाती है। अब हम बात यहां पर बेसिकली करेंगे कोण के मेजरमेंट्स की। तो कोण के मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास, जैसे मैंने कहा रोटेशन तो आपने समझ लिया, हमने कहा अगर हम इधर जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव मेजर कर रहे हैं, अगर हम इधर आ रहे हैं तो हम नेगेटिव मेजर कर रहे हैं, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, समझ कर चलनी है। अब इस कोण को मेजर करने के लिए मेरे पास कई अलग अलग सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम को आप एक एक करके देखिए तो आपको रियलाइज होगा कि कोण को मेजर करने के लिए कितने कुल अलग अलग सिस्टम है। यहां पर हमारे पास मापन के कोण के मेजरमेंट के हमारे पास कुल तीन सिस्टम है, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसको आप डिग्री सिस्टम भी कहते हैं, डिग्री सिस्टम कहते हैं, बेसिकली इसे ब्रिटिशर्स ने प्रोवाइड किया था। अगला है सेंटीसिमल सिस्टम, जिसको फ्रेंच ने प्रोवाइड किया था, इसको हम लोग यहां पर ग्रैड सिस्टम कहते हैं, ग्रैड सिस्टम कहते हैं। इसी तरह से अगला है सर्कुलर सिस्टम, जिसको आप रेडियन सिस्टम कहते हैं, जिसको अभी हम लोग यहां पर देख रहे थे, रेडियन सिस्टम कहते हैं। तो मतलब अगर कोण के मेजरमेंट की बात किया जाए, उनके मापन की बात किया जाए, हमारे पास कुल तीन अलग अलग सिस्टम है, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम है, सेंटीसिमल सिस्टम है और सर्कुलर सिस्टम है, इसको डिग्री सिस्टम भी कहते हैं, इसको ग्रेड सिस्टम भी कहते हैं, उसको रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। तो इस तरह से हम कोण को अलग अलग तीन चार यहां पर सिस्टम के तहत मेजर कर सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा हम कोण को अभी इन पर समझने, इनको समझने से पहले थोड़ा सा हम ऐसे डिटेल करें, जैसे आप चाहे डिग्री में हो, चाहे आप ग्रेड में हो, चाहे आप रेडियन में हो, या हम ऐसे कहते थे कि अगर हम किसी भी यूनिट में अगर किसी भी मेजरमेंट्स की बात करें तो उसके ऊपर भी कुछ होता है, उसके नीचे भी कुछ होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम अभी केवल डिग्री की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिग्री की बात, जिसको आप जो है सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। बेसिकली कोण को बनाने के लिए सर्कल की रिक्वायरमेंट्स है, सर्कल की जरूरत है। अब आप अगर सर्कल के सेंटर को नोटिस करिए और उसकी रेडियस को मीट कराइए, इस लाइन को हमने इनिशियल लाइन सपोज करिए कहा। अब अगर यही लाइन हमारी ऐसे मूव होना शुरू हो गई, धीरे धीरे ऐसे मूव होना शुरू हो गई, मूव होना शुरू हो गई, मूव होना शुरू हो गई, इसी तरह से यह लाइन ऐसे मूव होते होते एक रोटेशन कंप्लीट की, और यह जो डिवीजन है, अगर इस डिवीजन को हमने 360 पार्ट में, मतलब इस सर्कल को हमने अलग अलग 360 पार्ट में ब्रेक किया, तो उसको हम एक डिग्री कहते हैं। मतलब ऐसे देखा जाए, किसी सर्कल के जब हम 360 टुकड़े करते हैं, उस समय का जो कोण बनकर आता है वो आपका एक डिग्री कहलाता है। तो एक डिग्री मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक डिग्री, दो डिग्री, तीन डिग्री, चार डिग्री, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हम 90 डिग्री, फिर इसी तरह से बढ़ते 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 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। कहने का अर्थ हुआ कि एक हम लोग सर्कल के जब 360 टुकड़े करते हैं तो उस समय का जो कोण मेजरमेंट होता है वो आपका डिग्री में कहलाता है। अब आपने सर्कल को 360 पार्ट में ब्रेक किया, लेकिन आपने देखा कि एक डिग्री से दूसरे डिग्री तक, जैसे एक जीरो डिग्री था, जीरो से एक डिग्री पर पहुंचे, फिर दो डिग्री पर पहुंचे, ऐसे बढ़ते चले गए और यहां पर कहां पर पहुंचे, 90 डिग्री पर पहुंचे। समझिएगा, पहले जीरो डिग्री था, फिर एक डिग्री आया, फिर दो डिग्री आया, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री आ, हम आगे 180 डिग्री ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि एक डिग्री से दो, जीरो डिग्री से एक डिग्री तक पहुंचने के लिए आप धीरे धीरे कुछ और समय भी क्रॉस किए हैं, कुछ और समय भी लगाए हैं,
वो कैसे हम कंसिडर करें, इसको समझने के लिए आपको मेजरमेंट समझना होगा। जैसे अगर आप स्केल उठाइए या घड़ी ही देखिए, तो आपने देखा होगा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के मेजरमेंट्स में हम लोग उस लोकेशन को 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। आप इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे ही ब्रेक करेंगे तो आपका 0.1, 0.2, इसी तरह से 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक डिग्री से अगर हम दूसरे डिग्री तक पहुंचते हैं तो हमें कुल 60 मिनट कवर करने होते हैं। कितने मिनट? 60 मिनट। मतलब एक डिग्री बराबर जो होता है वो 60 मिनट होता है। अब इस 60 मिनट के अगर हम 10 इक्वल पार्ट ब्रेक कर दे तो 6-6 मिनट का यहां पर आपको गैप दिखेगा, 6 दिखेगा, फिर 12 दिखेगा, 18 दिखेगा, 24 दिखेगा और अंतिम यहां पर 54 हो जाएगा। 54 के बाद 60 मतलब आप पहले डिग्री पे आ गए। फिर इसी तरह से 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, इसी तरह से हम बढ़ते चले गए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास देखिए 0 डिग्री से 1 डिग्री तक पहुंचना है, इसके बीच की लाइन को हम 60 मिनट में ब्रेक करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। अब इस 60 मिनट को भी जैसे आप घड़ी की सुई देखिए, 1 घंटे से दूसरे घंटे कवर करने के लिए जो मिनट वाली सुई है 60 मतलब पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है, उसी तरह से मिनट से दूसरे मिनट तक जाने के लिए जो सेकंड वाली सुई वो भी एक रोटेशन कंप्लीट करती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड भी होता है। आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि अगर हम डिग्री में किसी कोण का मेजरमेंट कर रहे हैं तो वह x डिग्री, y मिनट और z सेकंड के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। x डिग्री, y मिनट और z सेकंड के मीडियम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक पहुंचने के लिए 60 मिनट, 1 मिनट से दूसरे मिनट तक पहुंचने के लिए 60 सेकंड हम लोग क्रॉस करते हैं। इस तरह से हम कोण का मेजरमेंट डिग्री में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, कोण का मापन हम डिग्री में दिखा पाते हैं आपके सामने। ये हुई बात डिग्री की। अब अगला देखिएगा ग्रेड। हम लोग बात करते हैं ग्रेड की। देखिए ग्रेड क्या है। अब इसी तरह से फिर से हम लोग यहां पर एक सर्कल को ही प्लॉट करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान से देखते जाइएगा, यहां पर भी उसका सेंटर होगा, यहां पर भी उसकी रेडियस होगी। हमने कहा था पिछले में डिग्री में कि हम पूरे सर्कल को 360 टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं तो डिग्री बनता है। अब यहां पर जब सर्कल को आप 400 टुकड़ों में ब्रेक कर दीजिए तो ग्रेड बनेगा। ध्यान से देखिएगा, पूरे सर्कल के 400 पार्ट्स अगर आप ब्रेक कर दें, 400 पार्ट टुकड़ों में ब्रेक कर दें, उस समय जो कोण बनेगा वो आपका ग्रेड कहलाएगा। जनरली किसी कोण के ऊपर ग्रेड जो होगा वह आपको जी से करके डिनोट करना पड़ेगा, ऐसे जी से डिनोट करना पड़ेगा। अब एक बात आप समझिए, अगर आप पूरे सर्कल में जो डिग्री में थे, जब आप डिग्री में थे, ध्यान से देखिएगा, तो आपने देखा था कि पूरे को 360 पार्ट्स में ब्रेक किया, मतलब जो 360 डिग्री था वह यहां पर अगर देखा जाए 400 ग्रेड के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? 400 ग्रेड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पूरी सर्कल वहां पर वही सर्कल उतनी तब भी थी, उस समय जो सर्कल थी वो 360 पार्ट्स में ब्रेक थी। तो 360 जो डिग्री था वह यहां पर 400 पार्ट्स में क्योंकि ब्रेक हो चुका है, 400 ग्रेड के बराबर होगा। या हम ऐसे कह दें, मतलब आपने देखा कि जो 360 डिग्री है वो 400 ग्रेड्स के बराबर हो गया। या हम ऐसे कह दें कि अगर हम लोग एक क्वाड्रेंट पूरा कवर कर लें, तो आपको पता है यहां पर बेसिकली जब हम डिग्री में होते हैं तो कितना हो जाता है? 90 डिग्री। इसका मतलब, और अगर 90 क्यों होगा, जब हम सर्कल के 360 पार्ट्स में ब्रेक करने की बात करते थे तो 90-90 का पार्ट बनेगा नहीं, एक चौथाई की बात किया जाए। जो यहां पर 90 डिग्री था अगर यहां पर देखा जाए तो 100 ग्रेड के बराबर होगा, क्योंकि 400 को अगर हम चार पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 100-100 ग्रेड के बराबर होगा। एक क्वाड्रेंट का जो हिस्सा होगा 100 ग्रेड के बराबर होगा। तो मैं यहीं पर मूलतः कह सकता हूं कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड होगा। 90 डिग्री बराबर क्या हो गया? 100 ग्रेड हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1 डिग्री बराबर क्या होगा? 100/90 ग्रेड हो जाएगा, 100/90 ग्रेड हो जाएगा, 0-0 से कटा, तो 1 डिग्री बराबर 10/9 हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं? ग्रेड कह सकते हैं। मतलब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर हमको कोण डिग्री से ग्रेड में कन्वर्ट करना है, ग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं, समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा आपसे कि 90 डिग्री जो था वह आपका 100 ग्रेड के बराबर है। इसका मतलब 1 डिग्री बराबर 100/90 ग्रेड हो गया, 90 ग्रेड हो गया। इसका मतलब इसको इससे कैंसिल कर दिया तो 1 डिग्री बराबर 10/9 ग्रेड हो गया। अब आप चाहे जो डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको 10/9 से गुणा करना होगा, मतलब डिग्री टू ग्रेड आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10/9 से। उसी तरह से आप उल्टा कह सकते हैं, अगर ग्रेड टू डिग्री आपको जाना है, जैसे यहीं पर आप देखिए
आप कह सकते हैं 100 ग्रेड बराबर 90 डिग्री, एक ग्रेड बराबर 90 अपॉन 100 डिग्री। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, एक कैंसिल कर दिया तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 डिग्री। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हम एक ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम 9/10 से गुणा करेंगे, कब, जब ग्रेड को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। इस बात को आप समझिए, जैसे मैंने आपसे बताया, आपको मैं कह दूं कि 60 डिग्री है। अब इस 60 डिग्री को अगर मुझे ग्रेड में कन्वर्ट करना है, 60 डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो मैंने अभी बताया कि डिग्री से ग्रेड में जाने के लिए 10/9 से आपको गुणा करना होगा। तो आपको क्या करना होगा बताइए, 60 × 10/9 कर दीजिए, 3 हो गया 20 हो गया, 20 × 10 = 200/3 क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा। मतलब 66 सही 2/3 आपके पास यह ग्रेड हो जाएगा। मतलब डिग्री से ग्रेड में जाने के लिए हम लोग यहां पर 10/9 से गुणा करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास कोई ग्रेड है, जैसे सपोज करिए यही ग्रेड है जो लिखा है 200/3 ग्रेड। अब इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 200/3 को 9/10 से गुणा करेंगे तो जाके डिग्री बन जाएगा। 3 × 3 = 9 होता है, 1 0 कैंसिल हुआ, 60 डिग्री हो गया, मतलब उसी का रिवर्स आपको प्राप्त हो गया। आई होप ये बात समझ में आई। तो अभी हमने क्या समझा कि अगर डिग्री में है तो सर्कल के 360 टुकड़े किए जाते हैं, और अगर ग्रेड की बात है तो सर्कल को 400 पार्ट में ब्रेक किया जाता है। मतलब जो 360 पार्ट है डिग्री में, वह 400 पार्ट होगा ग्रेड में। तो ग्रेड से डिग्री का कन्वर्जन और डिग्री से ग्रेड का कन्वर्जन आपको दिमाग में रख कर चलना है, जिससे कि यह प्रोसेस आपको फाइनली समझ में आए। तो आइए बात करते हैं हम लोग अब रेडियन की। जैसे कि हम लोग मेन, अब एक तरह से देखा जाए तो मेन मेजरमेंट की तरफ हम लोग अब आप फोकस्ड है। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि SI जो सिस्टम होता है मेजरमेंट का, वो रेडियन ही कहलाता है। तो रेडियन की तरफ हम लोग अब बात करते हैं। रेडियन को समझने के लिए फिर से आप, ऐसे मैंने स्टार्टिंग में भी इसको कहा कि यह सर्कुलर सिस्टम होता है, अर्थात एक सर्कल को फिर से आप लोग फोकस करिए। सर्कल के सेंटर को देखिए, सेंटर उसका क्या है, मान लीजिए ए है। अब सेंटर से अगर हम इस लेंथ को लें तो यह आपकी रेडियस कहलाएगी, यह रेडियस कहलाएगी। मैं आपको बताऊं कि अगर कभी किसी सर्कल की रेडियस के बराबर हम एक आर्क ले लें, रेडियस के बराबर अगर हम एक आर्क ले लें और इन दोनों को मिला दें, तो जो इनके बीच का झुकाव या इंक्लिनेशन होगा वही आपका रेडियन कहलाएगा। और रेडियन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जो वैल्यू होगी यहां पर उसके ऊपर सी लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब अब आप देखिए कि हमने कहा जो इस समय का इंक्लिनेशन है वही आपका एक रेडियन है। इसको ध्यान से समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने देखा था सर्कल, जब हम लोग चाहे डिग्री में थे चाहे ग्रेड में थे, डिग्री में थे तब भी हमने देखा था कि सर्कल के ही टुकड़े किए गए एक एक डिग्री के रूप में, और पूरी सर्कल को 360 टुकड़ों में ब्रेक किया गया। जब हम ग्रेड में आए तो फिर से सर्कल के ही टुकड़े किए गए और पूरे सर्कल के 400 टुकड़े किए गए। उसी तरह से यहां पर भी सर्कल के ही पार्ट्स हो रहे हैं और ऐसे ही पार्ट और होते चले जाएंगे। जैसे यहां पर अभी पार्ट हुआ, उसी तरह से और पार्ट भी होगा। लेकिन अभी पहले पार्ट की बात कीजिए जहां से रेडियन को आप एक्सप्लेन कर सके। मैंने कहा कि रेडियन तभी बनेगा जब रेडियस के बराबर की आर्क हो और दोनों को मिला देने से जो उनके बीच का झुकाव हो वही आपका एक रेडियन कहलाएगा। कोई ऐसा सोचे कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये सर्कल है और इसकी रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर, आप सोचा चलिए कि स्केल से हम बना देते हैं, प्रोटेक्टर से बना देते हैं कि आर्क ले लिया और आपने सोचा यहां से जाके यहां मिला दे, पता चला 5 यहीं पर है और आप यहां पहुंच गए। आपको कर्व पर इसकी लेंथ लेनी होगी, कर्व पर इसकी लेंथ लेनी होगी, तो यह 5 है तो यह 5 होगा। अगर आप स्केल या हम प्रोटेक्टर से मिलाने लगे तो यह आप यहां पर पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं। तो आपको 5, मतलब मेरे कहने का अर्थ था जितनी ए लेंथ हो उतनी ही आर्क पर लेंथ हो। ये सीधी लेंथ नहीं लेनी आपको, आपको क्या लेनी, कर्विकल लेंथ लेनी है, तो कर्विकल लेंथ डाउन ही रहेगी। इस समय का जो इंक्लिनेशन होगा वही आपका एक रेडियन कहलाएगा। तो जैसे हमने ग्रेड को भी डिग्री में कन्वर्ट किया था, क्योंकि हम देखते हैं तो ज्यादा जो यूज्ड हमारे पास मेजरमेंट प्रोसेस होता है वो डिग्री का ही होता है, हम लोग भी रिलेशन डिग्री में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। चाहे हमने ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट किया, उसी प्रकार से हम रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। आप यहां से रियलाइज कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग कोण को जब बनाते थे, हमको पता है जैसे अगर कोई ऐसे दे दे आपको तो आप कहेंगे तो 90 डिग्री है, कोई ऐसे दे दे तो आप कहेंगे सर लगभग 30 डिग्री दिख रहा है, थोड़ा और उठा दे तो कहेंगे 60 डिग्री दिख रहा है या 45 डिग्री दिख रहा है। इस तरह से हम चीजों को रियलाइज कर लेते हैं। जैसे अगर कोई ऐसे बना दे या हम कह दें कि ऐसे बना दे तो कहेंगे 120 डिग्री दिख रहा है, ऐसे बना दे लगभग आपको। इसी तरह से कोण को हम देख करके भी जज कर सकते हैं कि लगभग कितना कोण बना हुआ है। इसी तरह से हम इस कोण को भी देखने से हमको रियलाइज हो रहा है लगभग ये 60 डिग्री के आसपास है, लेकिन एग्जैक्टली 60 नहीं, इसको हमें समझना पड़ेगा ये है क्या।
अब आप इसको समझिए, सबसे पहली चीज इस रेडियन को डिग्री में लाने की कोशिश करिए। डिग्री में देखिए हम इसको कैसे लाते हैं, पूरी बात समझिए। कभी कोई सर्कल है, सर्कल का अपना सेंटर है, सर्कल की अगर मान लीजिए रेडियस है, तो सर्कल की सेंटर और रेडियस के बिहाव पर सर्कल का डायमीटर होता है। आपको पता है कि लेंथ पूरी 2r होती है, और यह इसकी सरफेस अर्थात सर्कमफेरेंस होती है, जिसको परिधि कहते हैं। और इसकी लेंथ कितनी होती है आपको पता है? इसकी लेंथ होती है 2πr। इसकी लेंथ क्या होती है? 2πr। अगर हम लोग सर्कल को थोड़ा अच्छे इसको इसी को समझिए, अगर इसको हमने कहा O है, इसको हमने कहा B A है, इसको हमने कहा B है, इसको हमने कहा सपोज करिए C है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग अगर मान लीजिए इस कोण और इस कोण के बीच का अगर हम लोग रेशियो बनाए, जैसे मैं लिखूं एंगल AOB, AOB मतलब आप इस कोण की बात कर रहे हैं जो कि 1C हमने लिखा है, डिवाइडेड बाय हमने लिखा यहां पर एंगल AOC, मतलब इस कंप्लीट एंगल की बात करेंगे जो कि आपको पता है कि 180 डिग्री के बराबर होता है, आपको ये जानकारी है, इज इक्वल टू। आपको एक बात और मैं बता दूं कि किसी सर्कल में जो एंगल्स का रेशियो होगा वह एंगल जिस आर्क पर डेवलप्ड है उसके रेशियो के बराबर होगा। मतलब आप देखिए, यह जो एंगल है यह इस आर्क पर बेस्ड है, और ये जो एंगल है ये पूरा इस आर्क पर बेस्ड है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बताइए, ए लेंथ हमारी कितनी है? आर है। और अगर आपने देखा कि यह पूरी लेंथ 2πr होती है, तो यह लेंथ अकेले कितनी होगी? πr होगी। मैं लिख सकता हूं πr है। अब आप इसको समझिए, तो यह जो एंगल AOB है वह कितना लिखा है? 1c लिखा है। और यह आपका कितना लिखा है? 180 डिग्री लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं, मुझे पता है कि 180 डिग्री सीधी सरल रेखा पर बनता है। यहां पर आपने सोचा कि r r से कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो आप इसको अगर सोचे तो यह बचा क्या? 1/π बचा। 1/ क्या बचा? पाई बचा। अब मैं लिख सकता हूं कि 1c इज इक्वल टू 180/π डिग्री। 1c इज इक्वल टू 180/π डिग्री, ये हो गया। या हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर सोचिए आप उसी को रिवर्स कर दीजिए। देखिए हमने अभी आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि 1c मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री। अब अगर हम इसी को मतलब थोड़ा सा रिवर्स करके समझें, और हम ये आपसे कहें कि भैया एक जैसे इधर चला जाए, तो पाई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। आप लिख सकते हैं एक डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई अपान 180 रेडियन हो जाएगा। मतलब अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करिए, अगर डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करिए। इस तरह से हम लोग यहां पर एक बात तो समझ गए कि अगर हमारे पास कोण डिग्री में दिया गया है, उसका कन्वर्जन हम रेडियन में करना चाहते हैं, तो आप आराम से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा, क्या देखा, कि अगर हम डिग्री रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम 180 बटा पाई से, और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई बटा 180 से। तो आपने देखा कि यहां पर मैं लिख सकता हूं 180 बटा यहां पर आप लिख सकते हैं, अगर हम लोग 180 बटा पाई, और एक तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं? पाई बटा 180। उसी चीज को फाइनली रियलाइज कर लीजिए, कौन किसकी तरफ से जा रहा है, किसको हम लोग यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने क्या देखा है? आपने देखा है कि एक डिग्री बराबर या हम ऐसे समझते जाए, जो अभी हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया था, आपके सामने जो एक्सप्लेनेशन हुआ था, देखिए क्या हुआ था कि पाई अपान 180 रेडियन इज इक्वल टू एक डिग्री होता है। इसी तरह से 180 बटा पाई डिग्री बराबर एक रेडियन होता है। तो इसका मतलब आपने देखा था कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करते हैं, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं आपको समझा दूं, मान लीजिए अगर मुझे दिया हो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो 45 डिग्री के लिए मैं क्या करूंगा? 45 इंटू आप लिख सकते हैं इसको पाई अपान 180, आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो पाई बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये पाई बाई 4 हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे दिया जाए 2π/3, अगर ये हमारे पास रेडियन में दिया गया है, इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 2π/3 इंटू हम 180/π कर दें, तो पाई देखिए पाई से कैंसिल हुआ है, 60 हो गया, 60 दुना कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। अब आप इसी को कन्वर्ट करके फिर से चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि 120 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है,
तो मैं लिखूंगा 120 इंटू पाई अपान 180। अब आप देखिए जीरो कैंसिल हुआ, 6 2 12, 6 3 18, 2 पाई बाई कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप इस तरह से डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो तीनों हैं कौन कौन, देखिए हमने बेसिकली पढ़ा कि हमारे पास तीन सिस्टम थे, एक डिग्री, एक आपका जो है ग्रेड, एक ग्रेड और लास्ट हमारे पास क्या था, रेडियन। अगर हम तीनों को साथ में रीड करें और ऑब्जर्व करें, इन तीनों के बीच एक प्रॉपर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कराने की कोशिश करें, मतलब इन तीनों अर्थात डिग्री, ग्रेड और रेडियन का एक हम प्रॉपर रिलेशनशिप यहां पर एक्सप्लेन कराने की कोशिश करें, तो देखिए यह एक्सप्लेनेशन हम कैसे कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। आपने हर एक को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं यहीं पर एक्सप्लेन करते जा रहा हूं, आप लोग ध्यान समझिएगा। मतलब बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल, मतलब हम इन तीनों के बीच एक तरह का संबंध हम लोग यहां पर डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि कैसे कैसे क्या संबंध यहां पर इनके बीच का होता है। आपने पढ़ा है कि 90 डिग्री जो होता है वन राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल अर्थात एक समकोण होता है, आपको पता है वन राइट एंगल होता है। 90 डिग्री अगर वन राइट एंगल होता है तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 1 डिग्री होगा 1/90 राइट एंगल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह भी 1/90 राइट एंगल होगा। तो इसका मतलब अगर हम डी डिग्री की बात करें तो हम डिग्री की ही कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो यह डी अपान 90 क्या होगा, राइट एंगल होगा, डी अपान 90 राइट एंगल होगा। इसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जैसे इसको हमने कन्वर्ट किया उसी तरह से हम इधर की तरफ अगर आए, हमने कहा जो पाई होता है, आप पाई बेसिकली जैसे आप इसको नोटिस करिए या हम किसी की भी बात करें, पाई जो होगा वो बेसिकली 2 रेडियन के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 2 रेडियन के। ये कैसे होगा इसको भी समझिए, जो पाई होगा, पाई बेसिकली हम लोग जानते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। क्या देखा आपने कि डी डिग्री इज इक्वल टू डी अपॉन 90 राइट एंगल, कंफर्म इतना, चलिए इसको रहने दीजिए ऐसे ही हम, क्योंकि राइट में ही सबको रिलेट करके एक दूसरे के साथ संबंधित कर देंगे। ऐसे आपने एक चीज और पढ़ा था कि 100 ग्रेड इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, आपने इसको पढ़ा था 1 राइट एंगल, भाई आपने देखा था कि जो 90 डिग्री होता था वही आपका क्या होता था, 100 ग्रेड होता था। तो 90 डिग्री ही 100 ग्रेड है, सीधा सीधा ऐसे समझ कर चलिए, तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 1/100 राइट एंगल होगा, 1/100 राइट एंगल होगा। अगर हम इसको ग्रेड को जी में डिनोट करें, मैंने कहा जी ग्रेड इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, जी अपान 100 राइट एंगल होगा, इसको भी ऐसे हम लोग यहां पर नोटिस करें। अभी एक बात हम लोगों ने और नोटिस किया था, अब बात हम रेडियन की करते हैं, इतना आपको समझ कर चलना है, इसके बाद हम रेडियन की करते हैं। अगर हमने देखा था तो पढ़ा था कि जो रेडियन की बात किया जाए, रेडियन बेसिकली जो पाई है वह आप अगर देखो 2 राइट एंगल के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 2 राइट एंगल के। तो पाई जो है, पाई अगर हमने देखा कि 2 राइट एंगल के इक्वल है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो 2/पाई क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। अगर हम इस रेडियन को आर से डिनोट करें तो आर सी इज इक्वल टू 2r/पाई क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट एंगल। तो आपने देखा कि अगर सही सही हम लोग यहां पर तीनों को एक साथ रिलेट कर रहे हैं तो जो अब इसी कंक्लूजन को आप लोग बेसिकली समझिए, जो डी अपान 90 है, जो डी अपान 90 है वो जी अपान 100 है और वही 2r/पाई है, 2r/ क्या है, पाई है। तो मतलब अगर डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच हम लोग एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें तो डी अपान 90 इज इक्वल टू जी अपान 100 इज इक्वल टू 2r/पाई होता है। यह आपसे संबंध पूछा जाता है कि अगर हम डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच संबंध एस्टैब्लिश करना चाहें, उसके बीच के प्रोसेस की बात करना चाहें, तो यह उनके बीच का एक प्रॉपर रिलेशनशिप होता है। इस तरह से हमने एंगल मेजरमेंट्स की बात की, आप अलग अलग टर्म्स को यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिग्रीज को हम लोग रेडियन में, रेडियंस को भी ग्रेड में, ग्रेड को भी डिग्री में, एक दूसरे के भी जो पॉसिबल इंटरकन्वर्जेंस होता है उसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स अ लॉट।